नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर में समाज सेवी संस्था आबा फाउंडेशन द्वारा 21 बेटियों का विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न कराया गया। बता दें कि संस्था आबा फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के लिए समय समय पर आगे आती है तथा जरूरत के हिसाब से संस्था के नियमों के आधार पर पात्र को निःशुल्क सुविधा दी जाती है, जिसके तहत कुल 21 कन्याओं का विवाह, जिसमें दो मुस्लिम बेटियों का निकाह भी संपन्न कराया गया। विवाह योजना के अंतर्गत लड़का देखने की जिम्मेदारी स्वयं लड़की के परिवार की होती है। इसके बाद संस्था में नामांकन लड़की पक्ष द्वारा कराया जाता है तथा संस्था के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लड़की पक्ष के हालातों दशा को गहनता से अध्ययन किया जाता है, तब नामांकन शादी कराने के लिए स्वीकृत किया जाता है। पहले से तय एक दिनांक पर शादी कराई जाती है। मुख्य अतिथि के रूप में धामपुर विधायक अशोक कुमार राणा मौजूद रहे। आभा सिंह ने बताया कि शादी में नवयुगल के लिए भावी जीवन में उपयोगी सामान उपहार स्वरूप दिया जाता है, जिसमें एक डबल बेड, गद्दे, तकिए, दो रजाई, सिलाई मशीन, छत का पंखा, बड़ा संदूक, अलमारी, सोने की बाली, पायल, 51 बर्तन, 5 जोड़ी कपड़े, लड़का पक्ष के तथा दुल्हन को जोड़ा एवं श्रृंगार का सभी जरूरी सामान दिया जाता है। 51 बेटियों की शादी करने के उपरांत आज माँ भगवती नवरात्रों के पावन त्यौहार में हम लोगों को, मेरे और मेरे पति को, उन्हें 21 बेटियों की शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे इस संकल्प को पूरा करने में ईश्वर की असीम कृपा और आप सबका आशीर्वाद है। और ये सारा काम ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा जैसा चल रहा है। हर साल हम लोग सामूहिक शादियाँ करते रहेंगे। इस दौरान मुख्य क्षेत्र प्रधान, बीडीसी सदस्य, समाज सेवी पुरुष व महिलाएं सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।